हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक्रेलिक पेंटिंग करेंगे। इसमें फिगर ड्राइंग बनाने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लैट कलर्स किए हैं इसमें मैंने। ये एक ड्राइंग हमने तैयार कर ली है, बहुत ही सिंपल फिगर ड्राइंग है। एक गर्ल की ड्राइंग हमने की है यहाँ पर, जिसने हैट पहना है और देखिए उसका फेस थोड़ा सा कवर हो रहा है, इसलिए बहुत ईजी ड्राइंग है। सिंपल सी उसकी हमने ड्रेस बनाई है और फेस में कोई डिटेल नहीं की। अब इसमें हमें फ्लैट कलर्स करने हैं, इसमें कोई भी ऐसे कलर नहीं करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो करने में। किसी भी तरह की फिगर, सिंपल फिगर बनानी है और देखिए उसमें फ्लैट कलर कैसे करने हैं। जैसे इसकी ड्रेस का मैंने ये येलो ओकर मस्टर्ड कलर जो होता है वो चूज़ किया है और उसको मैं ड्रेस को डिज़ाइन कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कलर भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्लैट कलर करने हैं। अब जैसे हैट में मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, ऑरेंज कलर का हैट उसका मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। इधर काफ़ी बड़ा हैट उसने पहना है, बहुत अट्रैक्टिव ये पेंटिंग बनने वाली है और बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में। ये मैं इसकी आपको सीरीज़ बनवाऊँगी, 3 या 4 पेंटिंग हम फिगर ड्राइंग की करेंगे। अब देखिए उसी ऑरेंज में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया और हमने फेस कलर बनाया और फेस में भी हम फ्लैट प्लेन कलर कर रहे हैं। उसकी शेडो दिखाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑरेंज और मिक्स करेंगे और फिर फेस पे और उसके हैंड्स में, नेक पे शेडो लगाएंगे। ये देखिए मैंने हैंड्स में भी कलर कर दिया है, अब शेडो लगा दिया जो नेक फेस के थोड़ा सा नीचे, ताकि फेस और नेक में थोड़ा डिफरेंस लगे, शेडो दिखाई दे। थोड़ा सा डार्क कलर उसमें लगाया है। अब बैकग्राउंड के लिए मैं कलर तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू और ब्लैक कलर मिक्स करके उसमें बैकग्राउंड के लिए हम कलर बना रहे हैं। ये ब्लैक दिख रहा है आपको वीडियो में, लेकिन दिस इज़ नॉट प्योरली ब्लैक। इसमें मैंने 2 ब्लू मिक्स किए हैं, पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू। दोनों ब्लू मिक्स करने के बाद इस बैकग्राउंड को बनाया है। अब हमने ये फ्लैट बिल्कुल बैकग्राउंड उसकी कंप्लीट कर दी। ये देखिए, अब ये जो पार्ट वाइट आपको दिख रहा है इसमें हमने ब्लैक कलर किया है। अब क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी डार्क है, ऊपर ड्रेस का कलर भी ब्लैक कर दिया है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इसमें वाइट डॉट्स का यूज़ किया है। अब देखिए बैकग्राउंड थोड़ी सी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में लाइट थोड़ी अलग आती है वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। और ये हमारी पेंटिंग तैयार है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल इजी और सिंपल हमने ड्राइंग तैयार की है। आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप भी बनाइए इसको।